अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खादरी NRQ24 से। 8 जून यानी कि 8 जून से आवाम को मस्जिद में जाकर नमाज़ें पढ़ने की इजाज़त मिल चुकी है। इसी बात पर ऑल इंडिया मंजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अपना एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने तमाम मुसलमानों से अपील की है कि 65 साल की ज़्यादा उम्र के लोग यानी कि जो लोग बुज़ुर्ग हैं वो लोग मस्जिद में जाकर नमाज़ें अदा ना करें, क्योंकि बुज़ुर्ग लोगों के जिस्म में ह्यूमैनिटी कम होती है, जिसकी वजह से वो करोना वायरस का जो वायरस है उसे लड़ नहीं सकते। इसी वजह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि 65 साल की ज़्यादा उम्र के लोग ये जून का महीना ख़त्म होने तक मस्जिद में जाकर नमाज़ें ना पढ़ें, और साथ ही में नौजवानों से भी अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मस्जिद जाकर इबादत करें और मस्जिदों को आबाद रखें। इसी के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कई सारी बातों पर एहतियात करने के लिए भी कहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का ये बयान। मेरे पूरे मुसलमानों से अपील ये है कि हम तमाम को एक पॉलिसी और एक उसूल बनाना चाहिए कि हमारे मस्जिदों में जो 65 साल के ऊपर ज़ईफ हैं उनको हम रोके कम से कम 1 जून के पूरे महीने ख़त्म होने तक, क्योंकि उनके जिस्म में इम्यूनिटी कम हो जाती है। मुख्तलिफ खुदा ना खास्ता अगर उनको डायबिटिक है, बीमारियां हैं, तो बॉडी में वायरस से मुकाबला करने की ताकत कम हो जाती है। तो मैं ये अपील कर रहा हूँ कि 8 जून को इंशाल्लाह तो खुल जाएंगे, मगर कम से कम जून के ख़त्म होने तक हमारे जो 65 साल के ऊपर जो ज़ईफ अफराद हैं उनको हम समझाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि कम से कम जून के ख़त्म होने तक आप थोड़ा मस्जिद को मत जाइए, घर में नमाज़ पढ़िए। जो नौजवान हैं जो ज़रा मस्जिदों को कम जाते, अब वो जाकर मस्जिद को आबाद रखें। तीसरे ये कि मसाजिद में अगर कारपेट है और उस कारपेट को निकाल सकते आप तो फौरन निकाल कर पत्थर के ऊपर नमाज पढ़ना चाहिए, क्योंकि कारपेट में एपिडेमोलॉजिस्ट और जितने हेल्थ एक्सपर्ट्स से डॉक्टर्स वो बोलते हैं कि कारपेट में बहुत से जरासीम जम जाते और उससे हो सकता है कि खुदा ना खास्ता किसी को वायरस लग सकता। तो चौथी बात, काम हमको ये करना चाहिए कि मस्जिद में बैतुल खला और वजू का इंतज़ाम ना रखें, क्योंकि वो वजू करते कुली करते और फिर आप आके नमाज पढ़ते तो लोग घर से ही अपने वजू कर कर आए, और नमाज जब पढ़ेंगे तो नहीं मालूम मुफ्ती इकराम को फैसला करना है कि अगर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मसाजिद खोले गए, चाहे वो मस्जिद नबवी हो, हरम शरीफ मक्के में हो, या टर्की हो, या दूसरे मुकामात पर, हमेशा की तरह जो खंदे से खंदा मिलाकर सब बनती थी वैसा नहीं बन रही अब, तो क्या मुफ्तिया इकराम ये फैसला दे सकते पूरे मुल्क में कि भाई जब 8 तारीख से मसाजिद खोले जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए हम सब बंदी करें नमाज की। ये हमारे मुफ्तियों को सोचना पड़ेगा कि कितना ये कर सकते क्या, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक में हो रहा है। तो मैं तो गुजारिश करूँगा हमारे उलमाओं से कि वो भी इसका फैसला कर ले। मगर दूसरे जो 4 चीज़ें मैं कहा हूँ उस पर यकीनन गौर करिए आप। मैं किसी से नहीं कह रहा हूँ कि मस्जिद को मत जाइए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप सही कह रहे हैं कि वायरस अभी बढ़ रहा है, वायरस ख़त्म नहीं हुआ है, वायरस बढ़ रहा है अभी, और ख़ास तौर से जो हमारे 65 साल के ऊपर के जो लोग हैं और जो लोग मुख्तलिफ अमराज के शिकार हैं, जिसको किडनी की बीमारी है, हार्ट की है, लंग्स की है, डायबिटिक है, उनको तो और एहतियात करने की ज़रूरत है, बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है उनको, क्योंकि उनकी जान को बचाने का है। यकीनन हमको एक रूहानी और खलबी सुकून मिलता है जब हम अल्लाह के घर में जाकर सर्वसजूद होते हैं, मगर इस्लाम की हम तालीमात भी है कि जान बचाइए, और अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये वायरस होता है तो फिर उनके घर वालों को उनसे जो मुलाकात किए, फिर एक नया सिलसिला शुरू होता है ट्रेसिंग का, प्राइमरी कॉन्टैक्ट कौन थे, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट कौन थे। ये मेरे एहसास हैं, और ये उसी वक्त होगा जब हमारे तमाम मुफ्तिया इकराम, चाहे वो किसी भी मकतब फिक्र के हों, वो इसका एक इज्तिमाई तौर पर नोट लेकर सबको बताएं। इसी के साथ मैं सैयदा नाहिदा खादरी NRQ24 न्यूज़ से। इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।